हेलो एवरीवन, तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस और हेल्दी नाश्ता, जिसे आप बिना ब्रेड का सैंडविच भी कह सकते हैं। इसे हम झटपट बनाएंगे। यहाँ पे मैंने देखिए हरा मिर्च, अदरक, टमाटर और प्याज काट लिया है और कुछ करी पत्ते ले लिए हैं। तो एक चम्मच तेल में हम मस्टर्ड ऑयल में करी पत्ते डाल देंगे। करी पत्ते डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई और जीरा सौंफ। उसमें हम डाल देंगे अपने सारे कटे हुए सब्जियाँ। इसमें आप और भी सब्जी शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, अदरक लिया है। सारी चीज़ों को एक साथ ही डाल देना है और इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। जब ये गल जाएगा तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच भर के। ये होममेड गरम मसाला है, आप कोई भी चाट मसाला या फिर मैगी मसाला डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर 2 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू डाल देंगे मैश करते हुए, और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। नीचे से अच्छे से पकता जाएगा और सौंधा होता जाएगा। और लास्ट में हम डालेंगे कटा हरा धनिया और नींबू का रस। इससे इसमें एक चटपटा फ्लेवर आ जाता है, बहुत टेस्टी लगता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी मसाला बनता है और फटाफट बन जाता है। इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ की फीलिंग करने के लिए इसका मसाला आप बना सकते हैं। ये बन के तैयार है, इसे हम साइड में निकाल देंगे, ये ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने सूजी ले लिया है 2 बड़े चम्मच। इसमें हम 2 चम्मच फ्रेश दही डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक गाढ़ा सा मिश्रण तैयार कर लेंगे। बिल्कुल हमें गाढ़ा बैटर ही बनाना है, देखिए इस टाइप का ही होना चाहिए, ना ही इससे पतला और ना ही इससे गाढ़ा। और अब हम इसे एक फ्राई पैन ले लेंगे, उसमें हल्का सा तेल ग्रीस कर लेंगे ताकि चिपके ना, और 2 चम्मच बैटर डाल के छोटा सा गोलाई में इवनली हम उसे फैला देंगे, और बड़ा हमें नहीं फैलाना है। और जब ये बैटर चारों तरफ से अच्छे से फैल जाए तो फिर कुछ देर तक हम रुकेंगे ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद देखिए ये हल्का सा सेट हो गया है, तो ऊपर हम अपना जो आलू मसाला हमने बनाया है मसाला, उसे हम फिल कर लेंगे अच्छे तरीके से। 2-3 चम्मच भर के आलू हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से फैला लेंगे। और फैलाने के बाद 1 मिनट तक फिर से हम रुक जाएंगे ताकि ये आलू और मसाला अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम 2 चम्मच बैटर लेंगे, इसके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। और देखिए बैटर का कंसिस्टेंसी ऐसा ही होना चाहिए, ना ही बहुत पतला ना ही बहुत गाढ़ा इससे। और इसे हम इवनली पूरा आलू को कवर कर देंगे। और जैसे देखिए हमारा बिल्कुल कवर हो गया, एक सैंडविच तैयार हो गया हमारा हेल्दी सही से। हम ढक के 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि भाप सही अच्छे से मतलब से पक जाए, और इसे हम फिर पलट देंगे। देखिए एक तरफ से अच्छे से सिक गया है और सूजी पक भी गया है। इसमें ज़्यादा से अभी संदेह नहीं रहता है कि हमारा सूजी कच्चा रह जाएगा। और फिर से हम इसे ढक के दोनों तरफ से पका लेंगे। और देखिए दोनों तरफ से कुरकुरा क्रिस्पी बन के हमारा सैंडविच तैयार है। इसे आप सैंडविच कहें या कोई भी नाश्ता कहें, नाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हेल्दी होना चाहिए। और ये हमारा नाश्ता बन के तैयार है। इसे मैंने देखिए कट कर लिया है और ये बिल्कुल काटने पे चौकोर चौकोर एकदम सैंडविच की तरह ही है। खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी था, इसकी गारंटी है। एक बार इसे आप बनाइए दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी? मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।